वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस मैथ सेशन हमने M21.2 के सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस देख रहे थे, जो क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे हैं आपके मैक्स ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के ऊपर, एज वेल एज एरर फाइंड करने के ऊपर, दैट इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। और कुछ क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं बाकी के, जिसमें हम लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये सब भी हम करेंगे, राइट? यस रोहित, चलो क्वेश्चन नंबर टू में आपको कुछ ऑलरेडी दिया गया है, जैसे वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5 इन द इंटरवल माइनस 2 टू 4, राइट? और वो पर्टिकुलरली x की कौन सी वैल्यू पे अकर कर रहा है वो फाइंड करना है। तो आर्यन, आपका डाउट इसमें तो नहीं है, x की कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, x की कौन सी वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, राइट? सो जस्ट चेक। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर देंगे। एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 6x² माइनस 3 2 6x माइनस 12। सो फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आई विल टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 6x² माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर कि उसके फैक्टर्स निकाल के आपको सबट्रैक्ट करके आंसर आए माइनस 1 पर्टिकुलरली, राइट? सो 2 वन जा 2, यहाँ पे आपका जाएगा माइनस 2 प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x आपका हो जाएगा 2 और x आपका हो जाएगा माइनस 1, राइट? तो इन सभी जगह पे पहले फंक्शन आपका देख लेते हैं। आप हम f डबल डैश भी चेक कर सकते हैं, बट सिंस हमें ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा ही चाहिए तो बेटर हम डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, राइट? या अगर आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन है तो बेटर आप f डबल डैश भी चेक करो। f डबल डैश x विल बी इक्वल टू 6 2 जा 12 x माइनस 6 ओनली, राइट? सो एट x इक्वल टू 2 f double dash 2 will be equal to directly you can write positive, and at x equal to minus 1 f double dash minus 1 ye aapka ho jayega negative, so minus 1 will be your local maxima, right? Or point of local maxima. Ab final maximum value find karne ke liye hum minus 2 aur 4 pe bhi values ko compare karenge, right? So yahan pe sabse pehle f of minus 1, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5, 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 5, सो माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1³ माइनस 3 माइनस 1² माइनस 12 माइनस 1 प्लस 5, माइनस 1³ आपका माइनस ही हो जाएगा, माइनस 1² प्लस माइनस 3 प्लस 12 प्लस 5, ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसल, दिस विल बी 12। माइनस 2 आप रखोगे, ये माइनस 2³ माइनस 3 माइनस 2² माइनस 12 माइनस 2 प्लस 5, बट सिंस ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आप पहले देख लो क्या माइनस 2 4 आपके हैं, ऑप्शन में नहीं है माइनस 2 और 4, उसमें से सिर्फ 4 है तो सिर्फ 4 को ही देख लेते हैं, माइनस 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ या ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, राइट? नन ऑफ दिस भी नहीं है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हो स्टूडेंट्स। 64 2 128 हो जाएगा, फिर 4² 16 3 जा 48 हो जाएगा, फिर 12 4 जा अगेन 48 हो जाएगा, 5 एज इट इज 48 48, वो आपका 96 हो जाता है, एम आई करेक्ट? राइट, जल्दी जल्दी बोलो। माइनस 96 128 प्लस 5 वो आपका हो जाएगा 1, या माइनस 96 प्लस 5 वो माइनस 91 हो जाएगा, 128 माइनस 91 8 माइनस 1 7, 12 माइनस 9 3 37, बोलो कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू 37 है, जो कौन से पॉइंट पे आ रही है? 4 पे आ रही है, एट x इक्वल टू 4। आसान है स्टूडेंट्स, पता चल रहा है? तो ये आप लास्ट टाइम मुझे बोल रहे थे सर कि आप एक क्वेश्चन दिखा सकते हो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा वाला, तो यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन वाला नहीं होता तो हमें एफ ऑफ माइनस 2 भी ढूंढना पड़ता, बट ऑप्शन में माइनस 2 है ही नहीं और नन ऑफ दिस भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली गए। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? अब इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से देखें। कुछ तो बोलो, आया ना, राइट? हाँ सर। हाँ, अब इन क्लास एक्सरसाइज में आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 8 9, वो लेवल 2 में है, और लेवल 3 में है 10 11 12 13, देखते हैं हम कितना कवर कर सकते हैं।
हाँ रोहित इज आस्किंग सर एफ ऑफ माइनस टू कहाँ से आया। रोहित जब कल हमने ये ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वाली थियरी पढ़ी ना, उसमें क्या था कि लोकल के लिए आपने जो फाइंड किया उसके साथ साथ आपको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी चेक करना है। ये ए और बी कहाँ से है, जो आपको इंटरवल दिया गया है उसमें लोअर वैल्यू ए अपर वैल्यू बी, राइट। यहाँ वाले क्वेश्चन में आपको लोअर वैल्यू माइनस टू है अपर वैल्यू फोर है, तो एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ फोर भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 3,4 मेक्स एन एंगल 3π/4 विद पॉजिटिव x एक्सिस, राइट। वो 3π/4 एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, देन f'3 इज इक्वल टू व्हाट। चलो मुझे ये बताओ, अगर ये एफ ऑफ एक्स पे आपका कर्व, राइट, मान लो एफ ऑफ एक्स आपका कर्व कुछ भी है, एट 3,4 ये समथिंग यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे वो टेंजेंट हुआ, यहाँ पे ये नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल का स्लोप आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर ये आपका थीटा है तो। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ या ना, राइट। सो हियर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू टेन थीटा, विच इज -1। वी नो दैट एमटी इनटू एमएन इज इक्वल टू -1, एमटी इनटू -1 इज इक्वल टू -1। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू -1 ओनली। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है, अगर वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 3, एट पॉइंट x इक्वल टू 3 विल बी -1, इंप्लाइज एफ डैश 3 इज इक्वल टू -1। पिद्दी क्वेश्चन है एकदम, टेल मी। कोई एंगल से लेवल 2 का क्वेश्चन है ही नहीं, आया ना, राइट। बट हाँ एक चीज, यस मीत माई मिस्टेक, slope of tangent will be +1, not -1. So this will be a +1, right? Question number 7. Isme koi doubt? Ekdam piddi question, piddu sa question. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 0.999, राइट। चलो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए पहले आप कंसेप्ट याद कर लो। कंसेप्ट है आपके पास y प्लस डेल्टा y, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस dy बाई dx डेल्टा x, है या ना। क्योंकि ये आपने कैसे याद रखा था स्टूडेंट्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू है ये, राइट। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। सो डेल्टा वाई आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। हाँ या ना, हाँ सॉरी वाई वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। एम आई करेक्ट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। ये आपने ऑलरेडी याद रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका y और ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है, x आपको डिफाइन करना है। जैसे 0.999 है, सो x प्लस डेल्टा x इज 0.999, सो कैन आई टेक x एज 1 एंड कैन आई टेक डेल्टा x एज 0.001, बट वो मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा, डेल्टा x विल बी -0.001। हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। फंक्शन फंक्शन मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। पाई की वैल्यू आपको एज्यूम करने के लिए बोलिए, वो बाद में देखेंगे। सो हियर वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सो डीवाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 + x². सारी वैल्यू रख देते हैं। सो नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। y हमारा है tan इनवर्स x, dy by dx आपके पास 1/1 + x², डेल्टा x की वैल्यू है हमारे पास -0.001, वो बाद में रखते हैं। सो दिस विल बी tan इनवर्स 0.999 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + 1/1 + 1²
इंटू माइनस 0.001, टेन इनवर्स 1 इज नथिंग बट 5/4, 1 स्क्वायर इज 1, ये हो जाएगा 1/2, माइनस 0.001, तो ये हो जाएगा माइनस 0.0005, एम आई करेक्ट, क्योंकि 1/2 है, 1/2 0.5 हो जाता है, राइट, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5/4 की वैल्यू आपको निकालनी है, सो 3.1416 डिवाइड बाई 4 करो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सो 0.7 4 28 34 4 8 32 21 4 5 20 16 4 4 16 0.7854 0.7854 माइनस 0.0005, सो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 4, 14 माइनस 5 9, इधर 4, यहाँ पे 8, ये 7, 0.7849, देख रहे हो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कभी सोचा था आपने कि टेन इनवर्स 0.999 के आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू हंसते खेलते निकाल दोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? सो दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 8। लेवल 2 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फिर नहीं बट जाने दो, उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका लेवल 2 का एक क्वेश्चन बचा है और लेवल 3 के 3 क्वेश्चन, वो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, राइट। और आपके बच्चे हैं टीपीपी, तो टीपीपी आप घर से स्टार्ट करना शुरू कर दो, राइट, एक ही टीपीपी है, सैटरडे तक आपका इजीली हो जाएगा, राइट। सो स्टार्ट सॉल्विंग टीपीपी, ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन एवरीवन।